गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का, स्टेट्स ऑफ मैटर। और चैप्टर का एक्चुअल नेम जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, बहुत इजी चैप्टर है। इसके टू ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक तो स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आपने अर्लियर क्लासेस में पहले पढ़ा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सो देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू अस। नाउ देर आर फाइव डिफरेंट स्टेजेस जिनको अब हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस में है सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा एक और स्टेट होती है, और दूसरा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, एक और डिफरेंट स्टेट है प्लाज्मा, और दूसरा फाइव मैंने बोला। अब जब हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे या हायर लेवल पर पढ़ोगे, तो देर आर फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर, और भी ज्यादा डिस्कवर हो रही है, लेकिन इनमें अभी ये सबसे ज्यादा कॉमन है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये टू और डिफरेंट टाइप की स्टेजेस है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन जो अब नई बुक्स आएंगी उसमें तो ये फाइव जो स्टेट्स है वो लिखी हुई आएंगी। इसका मतलब इन तीनों से इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस में आप इन तीनों को कंसिडर करते हो। ठीक है, तो नेम आपको इतना पता होना चाहिए, प्लाज्मा जो ऐसा कहते हैं कि सोलर जो लाइट है उसमें प्रेजेंट है, यानी इतना हाई टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं या जो स्टेट प्रेजेंट होती है उसको प्लाज्मा कहते हैं। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की ये एक ही प्रॉपर्टी है कि इसके जो मॉलिक्यूल है उनमें या जो एटम्स हैं, इस स्टेट के एटम्स, हर स्टेट में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो नॉर्मल सॉलिड, लिक्विड और गैस में मिलते हैं, इनसे बहुत ज्यादा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। ठीक है, तो ये दो, फिर एक तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर वाला टॉपिक है इसमें, और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, मींस हाउ वन स्टेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर, हाउ सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, या वाइस वर्सा, गैस इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू सॉलिड। करेक्ट है, तो अभी हम मैटर इन सराउंडिंग से पहले जो इसमें टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, पहले वो देखते हैं, जैसे हमारी बुक में हेडिंग दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है, व्हाटएवर सराउंडिंग अस इज मैटर। सबसे पहले मैटर के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि अगर पार्टिकल है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग देखनी है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, वो कंपैरिजन अलग है, लेकिन अगर जनरल, इन जनरल हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल में पहले सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी होती है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पार्टिकल किसी भी मैटर के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। अब सॉलिड और लिक्विड में तो हमको लगता है कि बिकॉज दीज मैटर्स आर फ्लोइंग, दैट्स व्हाई दे हैव सम मूवमेंट एंड द पार्टिकल्स ऑफ दीज मैटर्स आर मूविंग। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी जैसे पेन है, सॉलिड है, तो हमको इसमें ऐसा नहीं लगता है कि इसके पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, बट इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट एवरी पार्टिकल इन अ स्टेट इज मूविंग, उसमें मूवमेंट है, चाहे वो मूवमेंट जो है वो नेग्लिजिबल हो, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते इस टाइप का मूवमेंट है, लेकिन मूवेबल है, क्योंकि आपको पता है कि जो एटम है, हर चीज एटम से बनी हुई है, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूविंग होते हैं, इसीलिए हम ऐसा देखते हैं कि पार्टिकल्स इन अ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए, हम अगर वो मूविंग है दैट मीन्स उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी होती है पार्टिकल्स में, विच इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे होंगे, क्योंकि हम ओलंपियाड को भी अभी यहाँ पर साथ में लेके रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। व्हाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज काइनेटिक एनर्जी, हैव काइनेटिक एनर्जी, द रीजन बिहाइंड दैट इज दे आर मूविंग, मीन्स ये पार्टिकल मूविंग होते हैं इसलिए उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जो स्टैटिक है, जो जो भी चीज या जो भी पार्टिकल, अगर स्टैटिक है, पार्टिकल कभी होगा नहीं, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि अगर कोई प्लेस पे पोजिशन है
तो उसमें जो एनर्जी होती है वो आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई होगी, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे दोनों में से कौन सी एनर्जी पार्टिकल में प्रेजेंट होती है, तो आंसर इज काइनेटिक एनर्जी हमेशा पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इस काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो विच एनर्जी इज प्रेजेंट इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो आंसर इज काइनेटिक एनर्जी। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर्स दिस काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन, तो एक स्पेसिफिक फैक्टर इंपॉर्टेंट भी है विच इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे ही काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट होती है ना। ऑब्वियसली जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इंक्रीज होती है, अगर टेम्परेचर कम करते हो तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। यानी एक्टिवेट कब होंगे पार्टिकल्स, एक्टिवेट होना मतलब उनकी मूविंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप होती है कि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक को कम कर रहे हैं तो दूसरा भी कम हो रहा है, ये जो रिलेशनशिप होती है इसको एक स्पेसिफिक फिनोमिना से समझाते हैं, जैसे हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं टेम्परेचर इज प्रपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अभी प्रपोर्शनल का मतलब होता है जैसे मैंने अभी बताया दोनों साथ साथ इंक्रीज साइमल्टेनियसली होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रपोर्शनल। लेकिन एक और रिलेशनशिप होती है जैसे ए, इसको बोलते हैं वन बाय अगर बी, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, अभी जैसा इनवर्स का आएगा तो मैं वहां पर बताऊंगी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो, या फिर ए को इंक्रीज करोगे तो बी डिक्रीज होगा, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रपोर्शनल मतलब एक को इंक्रीज करते हो तो दूसरा डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है कि विच रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, तो उसका प्रोपोर्शनल साइन होता है टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। व्हेनेवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर, और किसी भी मैटर को हीटिंग कंडीशन में आप रखोगे तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी और फास्ट मूव करेंगे, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विद मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस ठीक है बिटवीन देम या अमंग देम, जो भी आपको ग्रामेटिकली सही लगता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर पार्टिकल जो होते हैं मैटर के उनके बीच में यानी वहां पर कुछ स्पेस प्रेजेंट है। अगेन जैसे मूविंग जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा या कम हो सकती है, वैसे ये स्पेस भी ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन होगा। जैसे आपको एकम कसौटी में एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का कि अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि आप पता है ये सॉलिड है लिक्विड है या गैस है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे वहां पर, आप पार्टिकल्स की प्रेजेंस देख के और स्पेस देख के आइडेंटिफाई करोगे कि अगर पार्टिकल के बीच में बहुत कम स्पेस है यानी बहुत पास पास है वो, तो वो क्या है सॉलिड है, और अगर थोड़े दूर है तो लिक्विड है, और बहुत ज्यादा दूर है तो गैस है। ठीक है, हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओलंपियड में भी ये जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा पूछते हैं कि अगर सपोज ये है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इसमें और इसमें, है ना। क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल एक दूसरे को ज्यादा पुश करेंगे, और वो एक दूसरे को इतना पुश करेंगे कि वो दूर होते जाएंगे, तो उनका जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। अब ये जो स्पेस है इस पर बहुत सारे रूल्स और गैसेस के रूल्स और डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल बेस्ड है ना। तो ये जो स्पेस है इसको बहुत सारे नेम से बोलते हैं, हम यहाँ पर इसको नेम देते हैं इंट्रामोलिकुलर स्पेस। ठीक है, अब आप सोचो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस का क्या होगा, इंक्रीज, है ना। ये भी एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो गया, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उनके बीच पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ज्यादा मूव करेंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो स्पेस है यहां से अगर एक चीज यहां पर भी हम समझ सकते हैं, नहीं तो इसके लिए थर्ड पॉइंट है, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट
सेकेंड है ना। थर्ड पॉइंट आता है कि पार्टिकल्स हैव अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है, ये स्पेस से भी रिलेटेड। अब सारी जो प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड होगी क्योंकि हम एक ही मैटर की बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स हैव अट्रैक्शन फोर्सेस मतलब जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनमें आपस में एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन फोर्स है। रिपल्शन एक सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो अब आप देखो जो मॉलिक्यूल पास पास है यानी सॉलिड वाली कंडीशन अगर देखते हैं, ये रहा सॉलिड, ऑब्वियसली इसमें जो अट्रैक्शन फोर्सेस है उनका अमाउंट कैसा है, बहुत ज्यादा हाई है। जब हम हायर सेंटर में जाते हैं तो उनको कैलकुलेशन भी आता है कितना अट्रैक्शन फोर्स है ना। तो फोर्स की यूनिट से हम इस अट्रैक्शन फोर्स को मेजर भी कर सकते हैं कि कोई पार्टिकल दिया हुआ है उसमें जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि वहां यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल है उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लेकिन हम उसको वहां पर ग्रेविटेशन से रिलेट करते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री में हम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस को पार्टिकल की कंडीशन से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर सॉलिड है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, लिक्विड है तो वीक होंगे, और अगर गैस है तो उनके बीच में नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया। अब टेम्परेचर से इसका रिलेशनशिप आप बताओ, है ना। स्टेटमेंट में आपने देखे होंगे सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इन अट्रैक्शन फोर्सेस का क्या होगा। तो वहां पर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्सेस हो जाएगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर किसी स्टेट का बढ़ाओगे उसके बीच के जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो मूव करेंगे, उनके बीच का स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, स्पेस इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्सेस। तो ये हो गई आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड, पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, दे हैव स्पेस इन बिटवीन देम एंड दे हैव अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। अब आपके बुक के जो लैंग्वेज है उसमें भी ये जो टॉपिक है ये हेडिंग वाइज दिए हुए हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में दिए हुए हैं, आर पार्टिकल्स आर मूविंग इन स्टेट, इस टाइप के, है ना। तो पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम हो गया, कंटिन्यूअसली मूविंग, अट्रैक्ट ईच अदर, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी से आगे स्टडी होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा डिफ्यूजन, है ना। ये तीन प्रॉपर्टी हो गई, अगर एग्जाम में आता है डायरेक्ट आता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर, तो ये थ्री प्रॉपर्टीज आपको इस तरह से लिखनी है, ठीक है। तो अब हम यहां से ये जो तीनों पॉइंट है इससे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फिर से स्टडी करते हैं विच इज डिफ्यूजन, ठीक है। समझने में एकदम इजी है, इसका वर्ड इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन, फिर यहां पर आएगा एक और वर्ड डेंसिटी, ठीक है। डिफ्यूजन को आप मूवमेंट से रिलेट करते हो, ठीक है, मूवमेंट से हम रिलेट करते हैं इसको कि पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं, है ना। जनरली ये जो डिफ्यूजन वर्ड है गैसेस के लिए अप्रोप्रिएट होता है कि गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत फास्ट होती है, है ना। अब तो ये समझ में आ गया हमको डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट, और यहां पर एक और वर्ड है विच इज नोन एज फ्लूडिडिटी, ठीक है, या फ्लूडिटी बोलते हैं इसको, और ये रिलेटेड होती है फ्लो से। अब ये तीनों में हो सकती है, फ्लो मतलब हम ऐसा नहीं समझते कि लिक्विड और गैस में ही, तीनों में भी हो, तीनों में होती है, लेकिन हम इसको कैसे स्टडी करते हैं, गैसेस में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हैं, है ना, चाहे वो नेग्लिजिबल मूवमेंट हो लेकिन मूवमेंट है, मूवमेंट है तो फ्लो भी होगा, और अगर फ्लो है तो उनमें ये प्रॉपर्टी भी होती है फ्लूडिडिटी, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन और फ्लूडिडिटी थोड़े से मिलते जुलते वर्ड है, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें सबसे ज्यादा होता है, गैस में होता है, ठीक है। अब यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन की मैंने जैसे बात की कि इसका एक मेजरमेंट है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो कैसे समझोगे कब कब डिफ्यूजन
डिफ्यूजन होगा और कैसे रेट मेजर करते हैं, तो डिफ्यूजन होता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, जैसे कॉमन एग्जांपल बुक में दिया होता है कि इंसेंस स्टिक है या परफ्यूम है, आपने एक जगह स्प्रे किया दूसरी जगह पहुंच गया, ठीक है। तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो उसमें एक फैक्टर होता है कंसंट्रेशन, कि अगर टू सब्सटेंसेस हैं, एक में कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरे में कम है, तो वो पार्टिकल जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं, ठीक है। द मिक्सिंग और स्प्रेडिंग ऑफ सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मोशन इज नोन एज डिफ्यूजन। एक डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स मूवेबल है, देयर इज अ मोशन इन द पार्टिकल, ठीक है। और अब फैक्टर अफेक्टिंग में, जैसे मैंने बताया फैक्टर कौन कौन से रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे, तो वो है कंसंट्रेशन और दूसरा है स्टेट ऑफ मैटर, कौन सी मैटर स्टेट है। अगर गैस है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, लिक्विड है तो थोड़ा कम होगा, और सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल है, एक्सपेरिमेंट है जो एक बार किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वो मैं एक्सपेरिमेंट लिख दूं, उसमें आपको ये सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना था कि ये क्या है, ठीक है। जैसे ये एक बीकर है, 3 बीकर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे ओलंपियाड में, और यहाँ पर एक केमेनोफोर का क्रिस्टल रखा हुआ है, केमेनोफोर दैट मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये पहले तो वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता था, ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल। अब ऑब्वियसली ये आपने इसके अंदर वाटर के अंदर रखा हुआ है, ये सिंपल वाटर है। थोड़े टाइम बाद क्या देखोगे आप, ये जो साइज है वो छोटी होती जाएगी केमेनोफोर की, और जो वाटर है जो पहले वाटर कलर का था, मतलब कुछ कलरलेस था, इट बिकम्स पर्पल, ठीक है। तो लास्ट स्टेज जो यहाँ पर होगी वो पर्पल हो जाएगा, और ये जो सब्सटेंस है ये कुछ डस्टिंग पार्टिकल जैसा रह जाएगा। अब दिखने में क्या सिंपल एक रिएक्शन है, क्या इसकी जगह अब ये तो परमैंगनेट हमने रखा है जो दिखाई देता है, अगर आप सॉल्ट भी रखोगे तो वाटर सॉल्टी हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर जो टर्म इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए दी हुई है वो है डिफ्यूजन, क्योंकि इस जगह पर है ना ये पर्पल कलर के पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और वाटर के अंदर इन सॉलिड पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो जो मूवमेंट है वो पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है डिफ्यूजन, इट इज रिलेटेड विद हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर डिफ्यूजन इन, अगर मान लो आपको डिफ्यूजन इन गैस के बारे में बात करते हैं कि डिफ्यूजन इन गैसेस को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस इज हाईएस्ट और वेरी फास्ट, ठीक है। इसके सारे जितने भी एग्जांपल है, ये डिफ्यूजन की वजह से रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है, ब्रीदिंग पॉसिबल होती है, या गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल होता है प्लांट्स में। आपने कई बार देखा होगा कि क्यों प्लांट जो हम जो है वाई वी आर एक्सक्रीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट नॉट बिकॉज कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज वेन एवर इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इन आवर बॉडी, देर इज अ एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन मतलब एक्सहेलेशन जिसको बोलते हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, तो वो भी एक टाइप का डिफ्यूजन है। जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और बाहर कम है ना, तो हम ब्रीदिंग में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन इन गैसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ डिफ्यूजन से एक और क्वेश्चन है कि एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें
कौन सी गैस होती है? उसमें गैस होती है ब्यूटेन, ठीक है, विच इज ऑर्डरलेस गैस, है ना, एक ऑर्डरलेस गैस इसमें होती है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ब्यूटेन इसमें प्रेजेंट होती है, जो सीएनजी होता है उसमें मीथेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये ऑर्डरलेस है तो लीकेज ऑफ सिलेंडर कैसे पता चलेगा, है ना, कौन सा ऐसा केमिकल इसमें यूज किया हुआ है जिससे डिफ्यूजन हमको पता लग जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशराइज्ड गैस एलपीजी के अंदर होती है और वो भी ऑर्डरलेस होती है, तो कभी भी लीक होगी तो आपको पता नहीं लगेगा, इसलिए इसमें एक सल्फर कंपाउंड ऐड किया हुआ होता है जिसको बोलते हैं मिथाइल मरकप्टेन, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है आपको, टेंथ में इसका स्ट्रक्चर भी आता है। तो जो आप स्मेल करते हो सिलेंडर का, एक्चुअल में वो मिथाइल मरकप्टेन की स्मेल है, ब्यूटेन की नहीं है। इट इज मिक्स विद द ब्यूटेन टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ एलपीजी सिलेंडर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इथाइल, कहीं पर मिथाइल है कहीं पर इथाइल है, तो इसको इथाइल मतलब करो, ये करेक्ट है। तो मिथाइल और इथाइल मरकप्टेन का मतलब क्या होता है, ये एक सल्फर कंपाउंड है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा होगा तो ये सल्फर कंपाउंड है, क्योंकि आपको पता है कि सल्फर का एक स्पेसिफिक स्मेल होता है, गार्लिक और जो अनियन होते हैं उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए उसमें स्मेल होती है ना, जहां पर भी सल्फर का अमाउंट होगा वहां पर स्मेल होती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सबसे ज्यादा स्मेल बैड ऑर्डर स्मेल जिसको बोलते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड की होती है ना, तो सल्फर जहां पर प्रेजेंट होता है वहां एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। तो अब जो भी मिक्स करेंगे उसका ये भी कंडीशन होना चाहिए कि जो फ्यूल प्रॉपर्टी है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये एक कंपाउंड है इथाइल मरकप्टेन, जो एलपीजी सिलेंडर में यूज करते हैं टू डिटेक्ट द डिफ्यूजन एंड लीकेज ऑफ गैस, ठीक है। अब डिफ्यूजन के एक और क्वेश्चन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन किससे कैसे कैसे ज्यादा होती है, तो वो आप आराम से कर सकते हो, सॉलिड इन सॉलिड एक ही क्वेश्चन है, फिर लिक्विड इन लिक्विड, हम ये बात कर रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की, किसमें ज्यादा होती है किसमें कम होगी। तो इस टाइप के रेट, ये जो ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चन होते हैं, और गैस इन गैस, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा गैस इन गैस में मैक्सिमम होगी। इंटरचेंज भी हो सकते हैं, जैसे सॉलिड इन लिक्विड, और एक और बोल दिया गैस इन लिक्विड, किसका डिफ्यूजन फास्ट होगा या रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें फास्ट होगा, तो गैस इन लिक्विड, जब भी गैस आ जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन वहां पर हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल आप बता सकते हो, सॉलिड का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है ना, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल अगर आप मिक्सचर की बात करो तो डिफ्यूजन में हम एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सॉलिड इन सॉलिड के बहुत रेयर एग्जाम्पल है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है, ये दो जगह आएगा, एक तो मिक्सचर में आएगा, एक यहां पर डिफ्यूजन में दिया हुआ है, तो उसका एग्जाम्पल होता है एलॉय, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद अनदर नॉन मेटल और मेटल, तो ये एक डिफ्यूजन है। अगर एक मेटल दूसरे में अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो रही होगी तो आप एक अच्छा एलॉय नहीं बना सकते। एलॉय क्या होते हैं, कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज और डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल होती है, हमको दो मेटल की में से दोनों की जो अच्छे प्रॉपर्टीज हमको लग रही होती है उनको हम मिक्स करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल एलॉय है। दूसरा, डिफ्यूजन फास्ट होगा इसके लिए एक और कंडीशन है स्पेस। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, जैसे मैंने अपने दो डायग्राम बनाए हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन किस में डिफ्यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर इसके क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं, कौन किस में डिफ्यूज होगा, तो अब हमको ये पता लग रहा है कि स्पेस कहां ज्यादा है, यहां पर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है तो यहां से यहां डिफ्यूजन होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये जो सॉलिड है ये यहां स्पेस बीच में, सॉलिड मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहां पर स्पेस इनको मिलेगा इसलिए डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है।
तो डिफ्यूजन के लिए इंटरमोलिकुलर स्पेस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है क्योंकि गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत लार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ ये हम अकॉर्डिंग टू ओलंपियाड सारा सेक्शन कर रहे हैं, इसमें से बुक की थियरी आपको कुछ नहीं मिलेगी, बुक में जितना आपने पढ़ा है वही बैक क्वेश्चंस करने के हैं, और उसमें से भी आपको पता ही होगा जो 30% सिलेबस है वो अब नहीं है, है ना। तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर पूरा कट कर दिया बोर्ड ने, लेकिन हम वहां पर इसको करेंगे, अभी रिविजन सेक्शन में हम पूरा करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है और ये 1 मंथ में हमको पूरा रिवाइज भी करना है, इसलिए आप ये पॉइंट्स अगर बुक में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ये जो थियरी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्ड अगर आते हैं तो वो ध्यान रखना है, दो वर्ड है कोहेशन और एडहेशन। ठीक है, ये वर्ड कहीं पर भी आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कोहेशन फोर्सेस क्या होते हैं और एडहेशन क्या होते हैं। इसके अगर एग्जांपल दिए हुए हो तो मैं आपको बता देती हूं, देखो ये एडहेशन वर्ड है, आपने एडहेसिव से सुना हुआ होगा। ठीक है, एडहेसिव मतलब स्टिक करने वाले, कोहेशन जो होता है वो सिमिलर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, ये वर्ड आया कहीं ना कहीं आपको, इसलिए मैं बता रही हूं। अगर एक ही मैटर के पार्टिकल है, जैसे ये जो मैटर है इसके जो पार्टिकल है इसके जो अट्रैक्शन फोर्सेस है बीच में सेम टाइप के हैं, पार्टिकल सेम टाइप के हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं कोहेशन। ठीक है, लेकिन एडहेसिव जो वर्ड होता है वो स्टिक के लिए आता है, सुना होगा कुछ गम्स होते हैं तो उनके बीच पीछे ये एडहेसिव वर्ड लिखा हुआ होता है। एक पार्टिकल दूसरे टाइप के जो पार्टिकल होते हैं उनसे अगर अट्रैक्ट होता है या स्टिक होता है तो उसको एडहेशन बोलते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस सिमिलर पार्टिकल, ठीक है, तो ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, दिस सिमिलर पार्टिकल्स, दो अलग अलग मैटर या दो अलग अलग सब्सटेंसेस के पार्टिकल के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है तो उसको एडहेशन बोलते हैं, और सिमिलर टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेस या सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स होते हैं अट्रैक्शन के तो उनको कोहेशन कहते हैं, लेकिन दोनों अट्रैक्शन ही है, है ना। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, यानी पार्टिकल्स के बीच में सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, जो फर्स्ट टॉपिक था। बुक में जो हेडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 3 प्रॉपर्टीज लिख देनी है, पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, 3 प्रॉपर्टीज लिख दी, एग्जांपल दे दिया, सॉलिड में ज्यादा होता है लिक्विड में कम होता है, दैट्स ऑल, है ना। यहाँ पर हमने जो इलैबोरेट करके पढ़ा है कुछ वर्ड्स और कुछ एग्जाम्पल वो इम्पोर्टेंट है ना। तो प्रॉपर्टीज को अगर कंपेरिजन आप जब करोगे तो हमारे पास एक टेबल बनती है, बहुत अच्छी टेबल मैंने इंट्रोडक्शन में बनाई थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो जो छोटी क्लास में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि अभी जितनी प्रॉपर्टीज हमारी आ गई वो उनके अलावा कि सॉलिड सॉलिड होते हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ये सब जो प्रॉपर्टीज है इनके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिन पे क्वेश्चंस होते हैं या हम उनको हायर लेवल पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होती है डेंसिटी। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा आपको, डेंसिटी वर्ड जो है कभी फिजिक्स में यूज होता है कभी केमिस्ट्री में यूज होता है, यहाँ पर डेंसिटी का मीनिंग जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको